मजा तो अभी आएगा। अभी अब्दुल कबीर जो है ना अब्बू के साथ बैठ गया है हॉर्स पे। क्या बात है भाई, कार्ड नहीं चलता है। मैंने बोला बर्तन किस तरफ है बता दें। भाई बच्चे तो फुल नींद करके उठ रहे हैं। हाँ नींद हो गई पूरी, घर आ गया बेटा, खाना खा लो पहले। भाई यहाँ पे रेंज का भी सेटअप है फुल, और ये आप देख रहे हैं ये है असली हैवी सीन फुल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं, सही है। सबसे पहले मैं सुबह उठा जब 8:30 बजे, तो सबसे पहले एक ही चीज जहन में थी, व्लॉग अपलोड करना है। वहां पे सिग्नल्स नहीं थे तो मैंने बोला भाई फटाफट ब्रश करो, मुंह धो और भागो पहले तो बाहर, बाद में तैयार व्यार होंगे। पहले मैं व्लॉग अपलोड करने के लिए आ गया बाहर। जैसे ही बाहर निकला तो वालिद साहब बाहर बैठे हुए थे, झुलक आ रहे थे। वालिद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक माशाल्लाह जबरदस्त। कैसा टाइम गुजरा आपका, आप ये बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, चले माशाल्लाह जबरदस्त। फैमिली खुश? तो भाई हम खुश। अब मैंने ये बोला कि अब्बू को, मैंने बोला कि चले आप भी फ्री बैठे हैं तो हम बाहर चलते हैं कैफे इमरान पे, नाश्ता भी करके आते हैं। घर वालों के लिए तो हमने जो है ना फार्म हाउस वालों को बोल दिया कैफे इमरान से हलवा पूरी ले आएंगे, सही है। लेकिन मैंने बोला कि चले हम लोग व्लॉग भी अपलोड करते हैं बाहर जाके, और अब्बू के साथ जरा नाश्ता भी करके आते हैं। तो मैंने बोला आप लोगों को भी लेके चलते हैं अपने साथ, ठीक है? तो तैयार हो जाए आप लोग, हम चलते हैं। भाई कैफे इमरान पे हम लोग पहुंच गए हैं, गाड़ियों का रश चेक कर लिया, क्योंकि हमने सुना भाई कराची से भी लोग आते हैं नाश्ता वाश्ता करने के लिए, यहाँ पे तो फुल रश लगा हुआ है गाड़ियों का। हम भी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। एंड लकीली वी गॉट द पार्किंग। मेन्यू है अच्छा खासा, बड़ा मेन्यू है, लेकिन हमने भाई हलवा पूरी खाई, हलवा पूरी लिया। भाई सबसे पहले तो ठंडा पानी चाहिए, लेकिन नाश्ता तो आ गया है। अच्छा यहाँ पे सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चने का सालन आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है, ये पूरी का पार्ट नहीं होता, पूरी अलग है, चने का सालन अलग है। ये सीन है, ये हलवा भी मंगवा लिया हमने, अब जरा ट्राई करते। प्रेजेंटेशन तो अच्छी लग रही है। पूरी भी जो है ना यहाँ पे, ये देखें जिस तरह हम लोग बारबेक्यू का पराठा नहीं होता, इस तरह ये लोग पीसेस में कट करके देते हैं। पहला आने वाला हलवे से भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा अच्छा है, पूरी थोड़ी सी ड्राई है, ऑयल कम है बुजी इसके अंदर, है ना बुजी? ऑयल कम है, तेल कम है। अब चने का सालन ट्राई करते हैं, क्या सीन है भाई सालन का। अच्छा है नाश्ता, यहाँ हलवे से ज़्यादा चने का सालन अच्छा है। बुजी आपको कैसा लगा? अच्छा है ना, सबका अपना अपना स्टाइल। हाँ सबका अपना अपना स्टाइल है बिल्कुल, यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया हुआ है। चले भाई नाश्ता तो हो गया, अब ये आई है काम की चीज़, ठीक है? अब हम लोग निकलते हैं, देखते हैं भाई फार्म हाउस पे कौन कौन उठा है कौन कौन नहीं उठा है। भाई नाश्ता भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वीडियो भी अपलोड हो गई, तो आने का मकसद दोनों काम हो गए, सही है। और नाश्ते की प्राइस जो थी यहाँ पे हलवा पूरी की, हम दोनों बंदों ने जो खाया वो 600 रुपये था, जिसके अंदर एक चाय भी थी। भाई अभी तो ये सारा सीन बाकी है, आर्चरी हो गई, हॉर्स राइडिंग हो गई, फिर आगे क्वाड बाइक्स है, तैयार हो जाएं आप लोग। घर वालों ने भी बस नाश्ता कर लिया, तो फिर हम लोग निकलते हैं बाहर। हाँ तो अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब चिल कर रहे हैं, सब अभी तक सो रहे हैं। भाई हो सकता है कि सब अंदर नाश्ता कर रहे हो, सही ना? हम लोग समझे कि बाहर नाश्ता नहीं कर रहे, तो उसका मतलब सो रहे हैं। अंदर जाके देखते हैं। और अंदर तो सब उठे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, उठ गए? वाह भाई हलवा पूरी खानी है, आ गई आपके लिए हलवा पूरी। यार इफ्रा दुआ कैसी हो भाई, सब उठ गए भाई। अरे भाई हलवा पूरी यहाँ पे आ गया है, सही है। और हम लोग तो पहले ही निपटा गए। हाँ तो अंदर सभी जाग रहे हैं भाई, यहाँ पे तो सब सुबह हो गई है, बच्चे फ्रेश भी हो गए हैं और नाश्ते का वेट कर रहे हैं। भाई जो माहौल बना हुआ है ना रूम के अंदर, दिल तो कर रहा है कि दोबारा सो जाऊं, लेकिन क्या करें भाई, आज का एक ही दिन है, तो बस अब मैं तैयार हो रहा हूँ, फ्रेश होकर निकलता हूँ, इसके बाद हम लोग एक्टिविटीज पे चलते हैं। देखिए भाई हम लोग तैयार हो गए हैं, क्वाइट बाइक की एक्टिविटी के लिए तैयार हैं, लेकिन अब्दुल कबीर और मोहम्मद अहमद जो है ना अभी पांव डाल के बैठे हैं पूल के अंदर, मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। फाइनली 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 हम लोग एक्टिविटीज की तरफ आ गए हैं। ये देखें यहाँ पे जो है ना इन्होंने रेंज बनाई हुई है, लेकिन ये एयर गन की है। हाय हाय, लेकिन ये है आपके भाई की मतलब की चीज। हाँ भाई ये चेक करें। अच्छा ये बड़ी वाली एयर गन्स तो आप लोगों ने भी देखी होंगी नॉर्मली, लेकिन असल सीन है ये देखें, ये चेक कराइएगा भाई, ये देखें असल सीन है, ये भी एयर गन है, सही है। देखने में ये बिल्कुल असली 9mm लग रहा है बिल्कुल, लेकिन ये है एयर गन। इसके अंदर इन्होंने जो है वो इसके जो छरे होते हैं वो डाले, अब इससे जो है वो गैस होती है, प्रेशर बनाती है, ऐसे ही भाई प्रेशर बनाती है ये। ओके की रिपोर्ट होगी भाई। सबसे पहले जा रहा हूँ चेक करने के लिए, सही है शीट इन्होंने नहीं लगा दी है, ये चेक करें भाई शीट नहीं लगा दी है, ठीक है। अब हम पहले इसके ऊपर शूट करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर चेक करेंगे कितने निशाने लगे, सही है ना, क्योंकि इसके प्रेशर का मुझे आइडिया नहीं है कि इसकी रेंज वेंज क्या सीन है, अभी चेक करते हैं। पहला निशाना लगाने जा रहे हैं, सही
हम असली चलाते हैं ना रेंज के अंदर, तो उसके अंदर तो अच्छा खासा जो है ना झटका फील होता है, इसमें कुछ भी फील नहीं हो रहा। सिर्फ एक लगा है, नहीं करे यार। ये देखिए छरे सारे इसके अंदर जो है ना गए हुए। नहीं, जब हम असली वाली रेंज में गए थे ना, उसमें आपके भाई ने कितने निशाने लगाए थे, मैंने आपको दिखाया था। चलो कम से कम एक तो लग गया ना यार, एक तो लग गया। ये भाई वाले साहब ने भी जो है ना गन उठा ली है, सही है। ये अबू लगा रहे निशाना, वाह भाई लगाया। ये आप देख रहे हैं, ये है असली हैवी सीन फुल ना, मतलब इसको उठा के मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपने मतलब की कोई चीज उठाई हुई है। ये चेक करें, फुल हैवी है, फुल हैवी। अब्दुल कभी शौक पूरा कर लो आप बेटा। वाह भाई, इसका जो एम है ना वो बड़ा वीआईपी लग रहा है, ये जरा ट्राई करते हैं। एयर गन का सीन काफी हो गया, अब जो है ना आर्चरी की बारी है। ठीक है भाई, ये चेक करें, ये देखिए ये, और वहाँ सामने निशाना लेना है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई आर्चरी, मैंने पहले नहीं की कभी। ठीक है, भाई ने थोड़ा सा गाइड किया है, तो हम देखते हैं कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सर, ओह लगा दिया भाई, सर्कल में नहीं किया लेकिन उसके नीचे चला गया। सीख जाएंगे। अब जो है वो भाई क्वाइट बाइक की बारी है। वाह भाई, अब्बू जो है ना अब्दुल कबीर को लेके देखें भाई क्वाइट बाइक कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं एहतियाती तौर पे। जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। क्वाइट बाइक के लिए भी जो है ना ये देखें बाकायदा ट्रैक बनाया हुआ है, जबरदस्त। नहीं मतलब जगह इनके पास बड़ी है। अब्दुल कबीर मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है आपको अब्दुल कबीर? वाह भाई वाह, अब्बू के साथ क्वाइट बाइक चल रही है, बूम बूम कर रहे हो। वाह भाई चलाएं, हाथ पकड़ लो हाथ पकड़ लो। ये टोपी ना उड़ जाए मेरी बस। ये तो अभी अब्दुल कबीर बैठा हुआ है ना, आपके भाई ने तो इसको ऐसा रगड़ना था ना, अकेले में ट्राई करते हैं जरा। सही आपके भाई ने इसको खींचा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बोटिंग पे आ जाएं। अब्दुल कबीर जो है ना थोड़ा सा सैड हो गया है, थोड़ा सा गुस्से में भी है, इसीलिए क्योंकि अब्दुल कबीर को भी मेरी तरह क्वाइट बाइक छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। भाई यहाँ पे अब जो है ना बोटिंग एक्टिविटी है, सही है। ये लाइफ जैकेट्स भी है यहाँ पे, सही है। बाकायदा इंतजाम है सब चीजों का, और ये बोट्स है भाई, पैडल बोट्स भी है इसमें। कौन सी वाली बोट में बैठना है आपको? कौन ये वाली? ये कौन से कलर की है? ये कौन से कलर की है? ब्लू। यस ब्लू, ब्लू वाली में बैठेगा आपने। लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट है। यस भाई चप्पू चल रहा है, चप्पू चल रहा है। वहां पे पैडल बोर्ड चल रही है भाई, यहाँ पे चप्पू चल रहा है। बोर्ड उलट रही है, देखो बोर्ड उलट रही है। अलीशमा बोर्ड उलट रही है, हम जा रहे हैं। आप लोगों को स्विमिंग आती है? सबको नहीं आती किसी को भी? वैसे आप तीनों को टेंशन नहीं, बोर्ड उलट भी गई तो आप लोगों ने तो लाइफ जैकेट पहना है ना। सिर्फ कोई नीचे जाएगा तो मेरी बेगम होगी। हमारी सेकंड लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है, हॉर्स राइडिंग। चले भाई अब मैं आपको हॉर्स राइडिंग कराता हूँ, लेकिन 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 ये वाले घोड़े पे नहीं, असली वाला घोड़ा आ रहा है। इसके अंदर से कौन आएगा अभी? अरे अब्दुल कबीर आएगा इसके अंदर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। भाई वैसे एक्टिविटीज तो सारी खत्म हो गई, लेकिन आप लोग ये सोचें कि मैंने इसको सेकंड लास्ट एक्टिविटी क्यों बोला। सोचे सोचे जब तक हॉर्स राइडिंग करते हैं। भाई ये देखें अब्दुल कबीर बैठ गया है। अब्दुल कबीर मजा आ रहा है? आ रहा है। तेज भगाओगे? तेज भगाओगे? तेज भगाओगे? तेज भगाओगे? हाँ चलो भाई, चलो भाई, चलो चलाओ चलाओ भाई, चलाओ। टाइट से पकड़ के रखना अब्दुल कबीर, छोड़ना नहीं। ओके वाह भाई, अब्दुल कबीर हॉर्स राइडिंग कर रहा है, टाइट से पकड़ के रखना बस। मजा आ रहा है मेरे बेटे को? वेरी गुड वेरी गुड। अभी अब्दुल कबीर जो है ना अब्बू के साथ बैठ गया है हॉर्स पे। आहा क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त।
चलो बाबा के साथ बैठो, बाबा के साथ बैठो, आ जाओ और जोर से जंप करनी है फ्रा। भैया हमने सोच लिया है यहाँ से इफ्रा घर पे जाएगी हॉर्स के ऊपर ही, सही है? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ना, दो चक्कर लग गया ये। स्माइल करो, स्माइल करो, रोना नहीं है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, चले भाई, डर निकल गया भाई, इफ्रा का भी डर निकल गया। हाय भाई, मैं अब चेंज करने के लिए आया हूँ पूल के लिए, सही है? बेगम आके सवाल पूछ रही है। क्या सवाल पूछ रही है बेगम? कलर काला लग रहा है मेरा, तो जाहिर सी बात है कलर गोरा तो होगा नहीं, धूप के अंदर कलर काला ही होता है। बेगम टेंशन नहीं है, 2-3 दिन के अंदर कलर सेट हो जाएगा, सही है ना? हाँ 2-3 दिन में सेट हो जाएगा। भाई मैंने फैमिली में सबको बोला कि देखें अगर खाना ऑर्डर करना है तो आप लोग कर दें, क्योंकि आते आते भी खाना 1-1.5 घंटा लगता है कैफे इमरान से। सबने बोला कि नहीं अभी तो भूख नहीं है, नाश्ता देर से किया है। मैंने बोला ठीक है भाई, लोग पता चलेगा जब पूल में से बंदा निकलता है ना तो ऐसी टाइट वाली भूख लगती है, इसके बाद खाना खाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर ये तो हमारे पास ऑप्शन ही होगा कि हम या तो कैफे इमरान पे रुक के खाना खाएं, क्योंकि पूल के बाद हमने निकलना है, या तो फिर हम लोग अनवर बलोच पे पहुंच के खाएं। अगर इतना बर्दाश्त हुआ इन लोगों के अंदर तो हम लोग अनवर बलोच तक चले जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं कैफे इमरान पे रुक। तो सबसे पहले इफ्रा चली गई है पूल में, हम भी आ रहे हैं भाई। पानी में जा रहा हूँ मैं, अभी तो ठंडा लग रहा है लेकिन 2 मिनट में सेट हो जाएंगे। अब्दुल कबीर, अब्दुल कबीर आ जाओ, वो है अब्दुल कबीर की ट्यूब। देखो सब आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये चलो पीछे से पकड़ो ट्यूब को, पीछे से पकड़ो, पीछे से पकड़ो, हाँ बस खत्म, चल। अंदर मछलियां नजर आ रही है फिर आपको? कितनी मछलियां हैं? 100 1, 2, 3 मोबाइल गीला कर दिया है मेरा भाई। अब जो है ना मैं डाइव करूंगा और अपने आप को छोड़ दूंगा, सही है? सिर्फ हाथ चलाऊंगा या तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, देखते हैं कहां तक जाते हैं। इफ्रा तक पहुंच गया मैं। चलें भाई, आज का दिन एक और हमने जो है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की शिफ्ट लगाई है स्विमिंग की, ठीक है? लेकिन अब घर भी जाना है भाई, घर भी जाना है, तो अब हम निकलने वाली करते हैं। और अब स्विमिंग से निकले ना तो भूख भी लगी हुई है, टाइट वाली, टाइट वाली। शावर लेते हैं, सही है? स्विमिंग पूल के साथ ही शावर बना हुआ है, गर्म पानी से शावर लेते हैं, फिर चेंज वेंज करते हैं। तुझे मजा आया स्विमिंग में? आया। कितना मजा आया? बहुत। पहले पहले तू कभी नहीं बोला बहुत मजा आया। सबके सामान पैक हो गए हैं, हमने भी अपना सामान पैक कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं। बेगम एक बात बताए, जाने का दिल कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं करा ना, आ जाना पड़ेगा, सही है? जाने का दिल तो नहीं करा बिल्कुल, अभी खाना खाने वाला जो है ना मरला बाकी है, अब हम लोग शायद अनवर बलोच पे रुकेंगे, सही है? तो चले चलते हैं। असर की नमाज भी जो है ना टाइम हो गया, तो मैंने यहीं पे पढ़ ली है, सही है? और अब रास्ते में हम कहीं मगरिब पढ़ने भाई, अब फार्म हाउस को गुड बाय कहने का जो है ना टाइम आ गया है, ये गाड़ी निकल रही है, हम लोग भी निकल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, साफ सुथरा, बड़ा फार्म हाउस, फैमिली ने इन्जॉय किया, सारी एक्टिविटीज़ आज हमने इन्जॉय की, सही है? और अभी आपस की बात है, बहुत मतलब दिल चाह रहा है कि यार रुक जाए एक और दिन, लेकिन चलना है भाई, चलें चलें चलें, कराची भी जाना है, आ जाएं, सफ़र स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। चलें दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अब्दुल कबीर, ये तो भैंस के बच्चे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, बस वाह भाई। चलें भाई हम लोग निकल रहे हैं, ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और अब हम लोग पहुंच गए हैं अनवर बलोच पे, सही है? बहुत टाइम बाद खाने के लिए आया हूं, टेस्ट मुझे याद नहीं है, तो अब जो है ना आज देखते हैं क्या सीन है। पहले जब हम लोग आए थे ना यहाँ पे तो मतलब बिल्डिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थी, अब इन्होंने पूरी रेनोवेशन वगैरह कर दी है, बिल्कुल टिप टॉप सीन कर दिया। खाना देखना है अब कैसा है। भाई बच्चे तो फुल नींद करके उठ रहे हैं, हाँ नींद हो गई पूरी, घर आके बेटा खाना खा लो पहले। ये देखे भाई अलिशा भी आ रही नींद से उठ गए, तो इतनी सारी फिशेज है ना, पकड़नी नहीं है, ये खाने वाली नहीं है। वहाँ सामने जो है ना टेबल चेयर्स लगे हुए हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं बैठे क्योंकि हम थके हुए आए
और हम यहाँ बैठेंगे, जमीन वाला सीन भी है, जमीन पे बैठने वाला, ये चेक करें। सोना घर पे जाके, हाँ नींदे आ रही हैं, हाँ नींदे आ रही हैं, घर पे जाके सोना बेटा। भाई घर वालों को ऊपर सेटल करा दिया, बैठ गए ये लोग, मैं मस्जिद में आया हूँ नमाज पढ़ने के लिए, मगरिब की नमाज पढ़ के इसके बाद मैं ऊपर जाते हैं। यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है साथ ही अनवर बलोच के, ये मस्जिद। अच्छा भाई ये मैंने उनसे जो है ना कार्ड ले लिया था ना, क्योंकि लोग पूछते हैं कि यार वो लोकेशन तो मैंने खैर लगा दी थी, अगर किसी को बुकिंग वगैरह करानी हो तो ये उनके नंबर्स दिए हुए हैं भाई फार्म हाउस वालों के, क्योंकि रेट्स इसमें डिफरेंट होते हैं तो रेट कोई फिक्स नहीं होता, कि आप मालूम अगर चाहिए तो इस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ये खाना तो अभी तक आया नहीं है, अब्दुल कबीर ने जो है ना भूख के मारे आधी निपटा दी है, क्या ये दही रायता निपटा दिया आधा। ये देखिए भाई पहला आइटम आ गया पिज़्ज़ा, क्रीमी टिक्का पिज़्ज़ा आ गया भाई। पिज़्ज़ा जो है ना ये सारा हमारा बच्चा पार्टी खाएगी, सही है ना, बच्चे क्योंकि ये कढ़ाई वढ़ाई जो है वो पसंद नहीं करते। ये लो बेटा सब बच्चों निपटा उसको भाई, ये पिज़्ज़ा जो है ना चख रहा हूँ, ठीक है चख रहा हूँ, बच्चों का है खा नहीं रहा। भैया बेगम मैं घर पे जाऊँगा, तुम घर पे खाना बना के देना, मैं बाहर का खाना नहीं खाता, सिर्फ देखे नहीं आज रख लूँगा। फाइनली अपना खाना आ गया है, ये भाई ब्राउन कढ़ाई है, सही है, अब ये इनकी ब्राउन कढ़ाई मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करूँगा, और ये भाई मटन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई अब टेस्ट करते हैं ज़रा। उठ के आया हूँ भाई आप लोगों को प्लेटर दिखाने के लिए, इससे पहले कि पूरे खानदान वाले मुझे मारे पकड़ के कि भाई तू खाना खाने दे, वीडियो बाद में बना लेना, अब हम खाना खाते हैं, सही है। ये है ब्राउन कढ़ाई का पहला निवाला, सही है, ये आ गया भाई। ब्राउन कढ़ाई जो है ना मजे की है, बेहतरीन। और ये है भाई मटन कढ़ाई, लेकिन इसमें मुझे मटन ही नज़र नहीं आ रहा है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, मटन किधर है भाई। और ये भाई बारबेक्यू है, ये ज़रा ट्राई करते हैं, ठीक है। बारबेक्यू भी एवरेज है, मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा प्रॉन कढ़ाई अच्छी लगी। अब बेगम कह रही है सुकून से खाना खा लो और खाना खाने दो, तो खाने के बाद मिलते हैं। भाई बिल आ गया है, मैंने कार्ड निकाला तो पता चला यहाँ पे कार्ड नहीं चलता, मैं बोला भाई से कि भाई बर्तन वर्तन कहाँ धुलते बता दे, हम सब मिलके धोएंगे तो जल्दी धुल जाएंगे। इमरान भाई कार्ड नहीं चलता है, मैंने बोला बर्तन किस तरफ है बता दें। भाई जान एक हफ्ते की आपके बर्तनों की टेंशन खत्म। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना भी खा लिया, अब अपने अपने घर की कहानी है, सही है। ये लोग यहाँ से सब अपने घर पे जा रहे हैं और हम लोग सब अपने घर पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे वापस आ गए हैं। सबसे पहले मैं परिंदों को देखने के लिए ऊपर जा रहा हूँ, जस्ट अभी एंटर हुआ हूँ, और सबसे पहले मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी कबूतरों क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? भाई कबूतरों के लिए जो है ना मैं थोड़ी सी खुली जगह कर रहा हूँ, सेटअप कर रहा हूँ, चलो सही है। तो वो अभी हमारा जो है प्रोसेस में, अब देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं यहाँ पे, जिसमें ये थोड़ा सा चहल पहल कर सकें, आराम से ना मज़े कर सकें। बाकी फिंचेस के तो सोने का टाइम हो गया है, ये अभी तक अपने घरों में जाना स्टार्ट नहीं हुई हैं, ये घरों के बाहर सो रही हैं, देखें घरों के अंदर नहीं सो रही हैं। नया नया घर मिला है ना, गवर्नमेंट की तरफ से नया नया घर अलॉट हुआ है, थोड़े दिनों में यूज्ड हो जाएंगी। 11 फिंचेस क्यों नजर आ रही है, 12वीं किधर है? जैसे ये 12 ही हैं, वो एक जो है ना वो इस डंडी के ऊपर बैठी हुई थी, मैं टेंशन में आगे, मैंने बोला एक कहाँ चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट ऑल गुड भाई। अरे भैया ये सोने का टाइम है, साइकिल चलाने का टाइम नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। अब ऐसी टाइट वाली नींद आ रही है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पूरे ट्रिप की जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होंगी, हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ओवरऑल फार्म हाउस का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा फार्म हाउस हमें मिला होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आया बहुत मज़ा आया, फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया। तो अब मैं सो रहा हूँ भाई, बच्चों को भी सुलाना है, सही है, और इसके बाद फिर कल की वीडियो में मिलते हैं। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ मैं फार्म हाउस से निकलते हुए इनकी और डिटेल्स भी कुछ ले ली, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट के ऊपर पूछ रहे थे कि भाई चार्जेस क्या हैं क्या है। तो इनके पास जो है, जैसे हमने 4 बेडरूम्स वाला फार्म हाउस लिया था, इसी तरह 2 रूम्स वाला भी फार्म हाउस है, 5 रूम्स वाला भी है, तो सबके अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो इनके जो बुकिंग के नंबर्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लोकेशन के साथ, ताकि अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग उस पर पूछ सकते हैं। सही भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। सो रहा हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।